15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। शहर जंगल पहाड़ों पर संघर्ष में शामिल लोगों को हम याद नहीं करते, किंतु आज हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हैं। वे सब 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी थे, आज हम उनको भी याद करेंगे। आज हम सुभाष बाबू और आजाद टू मेक इंडिया ब्रिटिश अलाय इन द वॉर। इंडियन लीडर्स डिड नॉट अप्रिशिएट दिस एज दे वर नॉट इवन कंसल्टेड ऑन दिस इशू। Hitler had achieved major victory in France. People are starving. There is a shortage of essential consumer goods. Mr. Secretary, if people are starving in India, why Gandhi is still alive? Why Gandhi has not died yet? I appreciate your concern about Gandhi. He is a real problem for our empire. Mr. Secretary, my stand will not change. It is unwavering. And I have not become the Prime Minister to liquidate the British Empire. So I cannot promise independence as long as I am alive. But we will engage with Indian leaders. That will be part of the decision. It will be wise decision to engage Indian leaders in dialogue. Yes, we will divide India. Yes, we are friends. Give independence to India. And Pakistan shall be free.
चलो जब राइट है दोस्तों, लेट्स ट्रिप टू इंडिया। दर्द हो जाएगा हमारे सैनिकों का बलिदान, आज पूरा देश याद करेगा। अंडमान द्वीप पर हमारा कब्जा हो चुका है, इसका नाम सोनार द्वीप रखते हैं। उनका उद्देश्य हमें ना कुछ देना था ना देना है, कई बात जवाहर की तो ये तो किसी मृग मरीज का भी नहीं था। इस मिशन की डूबते हुए बैंक का एक बोर्ड क्रेडिट चेक के अलावा कुछ भी आप हमें संपूर्ण देशवासियों को समझा दें, बिल्कुल महात्मा नहीं। सरकारी नौकर, सैनिक, हिंदू, मुसलमान सभी आंदोलन में शामिल। अब वक्त आ गया है, करो या मरो, समझ लीजिए, करो या मरो। मंत्रिमंडल बनाने या कुछ भी मांगने के लिए मैं वायसराय के पास नहीं जाना चाहता, अब बहुत हो गया। यही चाहता हूँ अंग्रेज देश छोड़कर जाएं, अभी जाएं, तत्काल जाएं, हो सके तो कल सुबह से पहले चले जाएं। वे चाहें तो बिना सत्ता स्थानांतरण के चले जाएं, लेकिन जाएं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अब यही वक्त है हम सभी देश को संपूर्ण स्वाधीनता के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर दें। और इस मुहिम में अगर बड़े नेता अरेस्ट भी हो जाएं, तो हर इंसान अपने आप को नेता ही समझे। प्यारे लाल, ये संदेशा भेजो कि अहिंसा का हर व्यक्ति ये कागज पर करो या मरो लिखकर अपने पोशाक पर चिपका दे, ताकि करो या मरो हमारा आंदोलन देश के हर कोने में पहुंचे। संपूर्ण आजादी से हमें कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स वॉ सतीश प्रसाद झा, राम गोविंद सिंह, देवी पौध चौधरी, रामानंद सिंह, काइंड ऑफ नेशनलिस्टिक फर्वर व्हिच इज सीन ऑल ओवर द कंट्री हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई वांट टू रीड आउट टू यू द इंटेंशन ऑफ मैकॉले फ्रॉम द गुरुकुल सिस्टम to what the public school system or even convents, etc. His intention was to form a class of educated people who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons who will be Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. And over the last 70 years, if we see this, I think he greatly succeeded. What I want to say is that while we have imbibed their culture and benefited from it, it's time to get a nice mix of what they left behind, as well as our own Indian culture. Because I always say that a tree, if its roots are not strong, it will fall. I will now request you to stand up for the pledge. I love my country, and I am proud. चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी हूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि मार मातृभूमि तो है ही और इसके अलावा
जो हमारे इंसानी जज्बे हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ता, पूरे विश्व के मेलों का एक दूसरे के साथ रिश्ता। तो मुझे लगता है यदि हम समन्वय बनाकर चलें तो हमारे देश, हमारे राष्ट्र और विश्व के लिए अच्छा होगा। मैं गीत कदम कदम बढ़ाए जा मैं गाऊंगा और मेरे साथ आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी गाएं। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा के जिंदगी है काम दुकान पे लुटाए जा। जय हिंद। पड़े अपनी आजादी की वार न मैं वारूंगा कभी, मैं न हारा था न हारा हूँ न हारूंगा कभी। ये तो सच है कि मेरे जख्म लगे हैं कारी और उन जख्मों से है खून अब तक जारी। मेरा सर भी जख्मी, सीना भी जख्मी और हाथ भी जख्मों से शल होके हुए हैं भारी। मुझमें बंदूक उठाने की सकत भी गुम है और दुश्मन में है धावे की बड़ी तैयारी। अपनी फौजों को फिर से मैं संवारूंगा कभी, मैं न हारा था न हारा हूं न हारूंगा कभी।